बेटी वो कालीन भी रख देना, उसे मत भूलना। वालिदा, वो अक्चा खातून भी हमारे साथ जा रही है, उसका हमारे साथ काम क्या है आखिर? तुम क्या कह रही हो केवर? अक्चा इस बस्ती की बेटी है, यकीनन वो भी जाएगी। लेकिन वालिदा, बातें नहीं करो, काम पे तवज्जो दो। ले जाने के लिए बहुत सारा सामान है, जाओ इसे वहाँ ले जाओ। शाबाश, अक्षा के लिए आपकी ये मोहब्बत एक दिन हम सबको मुसीबत में डाल देगी, देख लीजिएगा। माशाल्लाह, सुघड़ करें खवातीन। अरबाजगा जी सरदार, काफले में बस्ती के कीमती लोग शामिल होंगे, सिपाहियों की कयादत तुम करोगे और उन सब की हिफाजत को यकीनी बनाओगे। जो आपका हुक्म सरदार। जैसा कि सुल्तान जानते हैं, वास्फराकान बाज़ंतीनी तिजारती कारवां के रास्तों का कलीदी मकाम है। अब से वास्फराकान कले में एक काफिला भी हमारी इजाजत के बगैर आ जा नहीं सकेगा। सुल्ताने मौज़्ज़म, शहजादे हुम्माम के बारे में आपने सही कहा था अल्परसलान, वो बिल्कुल भी करामतियों के सरबराह नहीं थे। मुझे खुशी हुई कि हम जान गए कि काफिरों का आलाकार बनने वाले और मुसलमानों पर हमला करने वाले करामती थे। वो गलीज लोग ये समझते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का पैगाम नहीं है और झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। वो काफिरों के साथ काम कैसे नहीं करेंगे जबकि वो खुद शैतान के हवारी हैं। लेकिन मुझे अब भी शुबा है कि इस सब के पीछे अमीर बौजान का हाथ है। सुल्तान मौज़्ज़म, शक की बुनियाद पर फांसी नहीं दे सकते, हमें इल्जाम की नहीं सबूत की जरूरत है। जल्द या बदेर तलाश कर लूंगा सबूत और आपके सामने पेश कर दूंगा। और इसके अलावा वो मलून करामती जिसने हमारे घोड़ों के पैरों के नीचे अपनी जान दे दी, अमीर बोजान भी वहां मौजूद था और खुशी से यह मंजर देख रहा था। वो काफिर जो इंसाफ का कानून राइज करने और जुल्म और जबर खत्म करने का वादा करते हैं, वो दर हकीकत हर मुकदस चीज के मुनाफी होते हैं। और वो अपने आप को इस महारत से छुपा लेते हैं कि अगर उनकी आंखों के सामने उनके अपने खानदान के हजारों टुकड़े भी कर दिए जाएं, तो भी वो खामोश रहते हैं अपने मकासिद की कामयाबी के लिए, ये सोचते हुए कि जब तक उनके पास हुक्मरानी करने की ताकत नहीं है, सब्र से इंतजार करना उनकी इबादत है और उसे अपने मकसद के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी समझते हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया को उनके शर से महफूज रखे। जितनी हमें काफिरों से लड़ने की जरूरत है, उतनी ही हमें बिद्दात खिलाने वालों से भी लड़ने की जरूरत है। सुल्तान, सुल्तान की तरफ से हमारी मदद एक राज था, सिर्फ हम जानते थे कि वो किसे मालूम था। तो आखिर जिनाल सरदार को ये कैसे मालूम हुआ? हमने आपकी फतह की खबर सुनी, हमें खुशी हुई। हाँ, शुक्रिया। अल्लाह ने हमें बहुत सी फतूहात से नवाजा। मैंने निशापुर हासिल किया और अपने भाई तुरल को दे दिया। मैंने रे को हासिल किया और उसे अपने भाई तुरल के लिए दारुल हुकूमत बनाया। इंशाअल्लाह तुम भी ऐसा ही करोगे। काफी अरसे बाद मिले बहादुर सरदार। वक्त एक बेलगाम घोड़े की मानी धोता है जिसने हमारे सारे बाल सफेद कर दिए। शेर बूढ़ा भी हो तो शेर ही रहता है। मैंने आपके हमलों के बारे में सुना, अब से हम मिलकर मजीद काम करेंगे इंशाअल्लाह।
मोसल की सूबेदारी पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। इंशाल्लाह ये खैरियत का वसीला होगी जनाब सरदार। शुक्रिया भतीजे, जीते रहो, शाद रहो हमेशा। हमारी अजीम रियासत हमेशा शाद रहे, जिसने कभी भी किसी की भी नेकी जाया नहीं होने दी। अब हमें वापस जाना चाहिए। अलबरसलान, जैसा कि आप जानते हैं कि जिन जमीनों और मरकज पे आप तैनात हैं वो जमीनें मेरी फतह करता थीं। बहादुर सरदार मेरे तमाम कारनामों के सबसे करीबी गवाह हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन था जिसने सबसे पहले इन तमाम बेघर और बेजमीन ओज लोगों की मदद की। ठीक कहा ना बहादुर सरदार? माजरत यनाल सरदार, हमारे अजीम सुल्तान तुरुल हैं। अब मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि जल्द अज जल्द मरकज मेरे हवाले कर दें जो आपके कब्जे में है। माजरत चाहूंगा जनाल सरदार, मैं आपको रस्म रिवाज याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन वो जो मरकज है मेरी तलवार का हक है। वो तुर्क सरजमीन मेरी और मेरे सिपाहियों की तलवार की बदौलत बनी और इसी वजह से उसकी हुक्मरानी और देखभाल वासपुराकान की फतह नसीब हो जाने तक मेरे जिम्मे रहेगी। जैसा कि तुमने कहा कि तुम मुझे रस्म और रिवाज नहीं सिखा सकते, जाओ और जाके उन लोगों को सिखाओ जिन्होंने नाफरमानी की और रस्म और रिवाज भूल गए। तुम्हें मेरे मामले में कोई इख्तियार नहीं है। तुम्हें यह हक दिया ही किसने है कि इब्राहिम यनाल की जमीन और सलजूक रियासत की जमीन पर हुक्मरानी का दावा करो और सूबेदार यनाल के इख्तियार में मुदाखलत करो। मेरी तलवार ने दिया है मुझे यह हक, मेरी तलवार ने हक दिया है।